अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। समय की बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां जमातियों के कानपुर में छिपे होने की आशंका जताई गई है और इसकी सही सूचना देने वाले को पुलिस द्वारा 10,000 के इनाम की घोषणा भी की गई। यानी एक जमाती पकड़वाने पर कानपुर पुलिस 10,000 का इनाम देगी। IG मोहित अग्रवाल ने इसकी घोषणा मीडिया के सामने की। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं IG मोहित अग्रवाल। जो निजामुद्दीन में जो जमाती एकत्रित हुए थे और उसके बाद देश के विभिन्न कोनों में गए और वहाँ पर बहुत सारे लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया और उनके संपर्क में जो लोग आए उनको भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कानपुर नगर में भी इस तरह के बहुत सारे केस हमको मिले हैं। अभी भी बहुत सारे जमाती जो निजामुद्दीन मरकज़ में सम्मिलित हुए थे, इस बात की संभावना है कि वो अपने को छिपाए हुए हैं और सामने नहीं आ रहे हैं। वो अपने लिए तो खतरा है ही, अपने परिवार के लिए भी खतरा है और पूरे समाज के लिए खतरा है। तो हम लोग जनता के लोगों से अपील कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के बारे में यदि उनको कोई जानकारी हो तो पुलिस को सूचना दें। उनके नाम गोपनीय रखे जाएंगे और उनको 10,000 रुपये का इसमें पुरस्कार भी दिया जाएगा। आपको बता दें कानपुर में लगातार कोरोना के मामले में इजाफा हो रहा है और इस कोरोना संक्रमितों में ज्यादा जमात से जुड़े लोग और उनके संपर्क में आए लोग ही हैं। कानपुर पुलिस को आशंका है कि ये जमाती अभी भी शहर में ही कहीं छिपके बैठे हैं और कुछ शहरी लोग ही इनकी मदद कर रहे हैं। उन जमातियों को निकालने के लिए IG ने आज यह ऐलान किया। इसके साथ ही पुलिस की तलाशी भी जारी है। IG मोहित अग्रवाल ने कहा कि जमातियों की सूचना देने वालों के नाम पता को गोपनीय रखा जाएगा। पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 112 और 100 संबंधित थाना या SP दफ्तर के अलावा कोरोना हेल्पलाइन नंबर पर भी जमातियों के बारे में जानकारी दी जा सकती है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV।